वगैरह नहीं है। झूला आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर लाइटिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रहा है। हर प्रकार के जिसे देखकर बनाया गया या फिर पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन बनाया गया। ये झूला आप जो है कहीं नहीं देखे होंगे, देख सकते। ये जो है डांडिया के लिए बनाया गया, जो कि मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे दिन से चालू हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर और अंदर देखते हैं माता जी के, आपको जो है दर्शन कराता हूँ और पंडाल के बारे में भी जो दिखाता हूँ बताता हूँ अंदर में। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज के व्लॉग्स। दोस्तों फाइनली फिर से मैं आ गया एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको लेकर आ चुका हूँ सेक्टर 1 तार घर दुर्गा पंडाल, जो कि हर साल जो है हर बार जो है यहाँ का पंडाल लाजवाब रहा है, तारीफ़ काबिल रहा है। तो इस साल भी यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त पंडाल बनाया हुआ है, मैं आगे अंदर चल कर दिखाऊँगा। यहाँ पर इसने आज जो है नवरात्रि का दूसरा ही दिन और इतना ज़्यादा भीड़, झूला वगैरह में लाइटिंग आप देख सकते हैं, दिल खुश लाइटिंग है यहाँ पर। ये इसका मेन गेट है। चलो चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग का यहाँ पर 10 रुपये चार्ज है, अगर फोर व्हीलर है तो शायद 20 या 30 रुपये है। एंड यहाँ पर अंदर में कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। झूला आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर लाइटिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रहा है। हर प्रकार के झूले वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। पूरे भिलाई में, दुर्ग में सबसे बेहतरीन झूला और सबसे ज़्यादा झूला आपको सेक्टर 1 में मिलेगा। तो ये ड्रैगन ट्रेन एंड यहाँ पर जो है आगे में हैमर झूला है, उसके बाद ये बच्चों के लिए है, और भी हर प्रकार के झूले यहाँ पर जो है अवेलेबल है। और ऐसे ऐसे झूले जो कि आपको पूरे भिलाई के किसी पंडाल में नहीं मिलेगा, वो झूला आपको जो है इस पंडाल में मिल जाएगा सेक्टर 1 तार घर में। तो यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया वो है चंद्रयान 3, जैसा कि आपने बीते समय में देखा होगा रायपुर का चंद्रयान 3 पंडाल जो था, गणेश पंडाल, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था चर्चित में था। तो उसे देखकर बनाया गया या फिर पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन बनाया गया। ये झूला आप जो है कहीं नहीं देखे होंगे, देख सकते हैं ये वाला जो है, ये झूला मुझे सिर्फ यहीं देखने को मिला और कहीं भी भिलाई में नहीं दिखा। एंड यहाँ पर देखते हैं पूरे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, हर चीज़ के गुपचुप वगैरह, भेल वगैरह सारा कुछ। यहाँ पर बच्चों के लिए झूला वगैरह भी जो है लगा हुआ है। ये जो है डांडिया के लिए बनाया गया, जो कि मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे दिन से चालू हो जाएगा। तो आ सकते हो, डांडिया का भी लुत्फ यहाँ पर आप जो है उठा सकते हो। तो चलो चलते हैं, हम एक नज़र पंडाल की ओर डालते हैं और पंडाल किस तरह का बना है सारा कुछ यहाँ पर जो है देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये देखिए पूरा जो स्टॉल वगैरह पूरा लगा है, खाने पीने का आइटम, बच्चों के खिलौने वगैरह सारा कुछ। तो चलो एक नज़र पंडाल भी डालते हैं। और ये देखो भाई, मेन पंडाल जो हमारा चंद्रयान 3 को यहाँ पर जो है बना दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। देख सकते हैं काफ़ी बड़े आकार में जो है बनाया गया है, जो कि खासकर मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो रायपुर में बना था भाई फिनिशिंग, उसमें एक नंबर था, क्योंकि वह जो मेटल का बना था पूरा, और ये जो पूरे पर्दे वगैरह का बनाया गया है, इसलिए ये इस तरह का है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर, अंदर देखते हैं क्या क्या है, किस तरह का पंडाल है सारा कुछ। तो यहाँ से एक व्यू आपको मैं दिखा दूँ, देखो कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर और अंदर देखते हैं माता जी के, आपको जो है दर्शन कराता हूँ और पंडाल के बारे में भी जो दिखाता हूँ बताता हूँ अंदर में क्या है, किस तरह का है। तो यहाँ पर सिंपल सा गेट रखा गया है, अंदर की ओर चलते हैं जल्दी से। और जैसे ही अंदर पहुँचेंगे तो भाई ये देखो, दिल खुश जगह है भाई, एक नंबर। मतलब हर एक तो हर जगह पंडाल में जो ब्लू लाइटिंग का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी बेहतरीन लगता है ये लाइटिंग, देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है लग रहा है। तो चलो चलते हैं आगे और जो है माता दुर्गा जी के जो है आपको दर्शन करा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ की मूर्ति मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तो एक नज़र पहले पंडाल डाले और यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये माता की मूर्ति। और चलते हैं आगे की ओर, और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, और काफ़ी सुंदर मूर्ति है माता की। और ये मूर्ति मुझे जो पूरे भिलाई में जो दूसरी मूर्ति लगी, जो कि बहुत अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पर पूरे दीवारों में, आप पूरे पर्दों में देख सकते हैं के भारत, जो जो मतलब चंद्रयान को सफल बनाने में जिन जिन का हाथ था, उन सबका यहाँ पर जो है फोटो के साथ में नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और जो भी उनका डिजिग्नेशन था, पोस्ट था, वो यहाँ पर जो है दर्शाया गया। तो ये सब आप देख सकते हैं एक एक करके। देखिए जैसे कि मुथैया वनिया है ना, वनिता। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये, देखिए यहाँ पर चैन दत्ता। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे चहेते, जैसे कि सब जानते हैं APJ अब्दुल कलाम, जो कि यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कल्पना चावला जी हैं, यहाँ पे उनका नाम के साथ में उनका शो किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा जो है चंद्रयान में जो भी मतलब लोग थे या फिर जो मतलब जो फेमस लोग हैं, उनका यहाँ पर सारा नाम के साथ में ये जो है जो दिया हुआ है। तो चलो और आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए पूरा यहाँ पर जो है हम देख चुके हैं, अब चलते हैं पंडाल के बाहर और आज का वीडियो जो है हम समाप्त करते हैं। तो बाहर का कुछ मेला वगैरह है वो भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से। तो ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता।
तो बाहर हम आ ले चुके तो हैं अभी, बाकी देखो लड़कियों यहाँ को भी पर लेते पूरा ही ये होता स्टॉल है, लगा हुआ है बच्चों के लिए खिलौने वगैरह, और ज़्यादातर तो लड़कियों लेना के कुछ रहेगा तब वेडिंग तो। इयर रिंग्स वगैरह ताम झाम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़के यार बहुत कम खरीदारी करते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, बच्चे ज़्यादा करते हैं। खाने पीने का सारा आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर बच्चों के पूरे यहाँ पर खिलौने वगैरह हैं। उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं लड़कियों के लिए कपड़े वगैरह यहाँ पर हैं, उसके आगे पूरे खाने पीने का सारा आइटम है। तो सो अब वीडियो आपको कैसा सब क्या लगा चीज वीडियो में कमेंट करके बताएं, साथ ही कमेंट से कमेंट करके बताएं, और यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नए वीडियो में।